नमस्कार, मैं आपका अजीत कुमार। आप देख रहे हैं विसारा टाइम्स। नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। पाकिस्तान ने फिर किया ड्रामा, कहा भारत सीपीएसई पर हमला करने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान चीन ने मिलकर महत्वाकांक्षी सीपीएसई परियोजना की है तैयार। कैप्टन कपिल की शहादत पर भारत को है नाज। पाकिस्तान ने एंटी टैंक मिसाइल से किया था हमला। 10 फरवरी को कैप्टन कपिल का है जन्मदिन। अरबपति कारोबारी नीरव मोदी पर सीबीआई ने कसा शिकंजा। मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 280 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का है आरोप। सीबीआई ने की मोदी, उनकी पत्नी और भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रेलवे विभाग पुरानी लाइनों को बुरा है बदल, जिससे दुर्घटनाओं में आ रही है कमी। रेलवे क्रॉसिंग को भी किया जा रहा है दुरुस्त। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बना 500 साल पुराना मंदिर। गुजरात के इस मंदिर का पुनर्निर्माण करा रहे हैं मुसलमान। मंदिर का हो रहा है नवीनीकरण। कासगंज में फिर दंगा भड़काने की कोशिश। गंज टुंडलारा में धर्म स्थल को लगाई आग। लोगों में फैला आक्रोश। बाजार रहे बंद, पुलिस बल तैनात। यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू। 66 लाख परीक्षार्थी बैठ रहे हैं परीक्षा में। प्रशासन ने परीक्षा में नकल रोकने के लिए किए कड़े बंदोबस्त। परीक्षा केंद्रों पर लगाए सीसीटीवी कैमरे। लखनऊ में आयकर विभाग का छापा। 25 करोड़ का मिला काला धन। कंपनी कर रही थी कमीशन का काम। भाजपा नेता ने की कौशाम्बी पुलिस चौकी में घुसकर मारपीट। पार्टी ने जिला मंत्री को किया बाहर। नोएडा में ई रिक्शा चालकों ने किया प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ लगा रहे थे नारे। ई रिक्शा चालकों का आरोप, पुलिस कर रही है अवैध वसूली।